ये कपड़े वाले सीट कवर चढ़वा रखे थे हमने ना, उसकी वजह से देखो सीधा करना सागर इसको वहां से उठा के। ये देखो भाई अपनी जो सीट है ना अंदर से वो भी गंदी होगी, इनके ऊपर आप रेत देख सकते हैं। ये देखो कितनी जो धूल है इनके अंदर आ चुकी है। अगर वैसे रहते ना सीट कवर लेदर वगैरह के रहते तो उसके अंदर ना इतनी धूल मिट्टी जाती नहीं है वैसे, बट इसके अंदर ना काफी जो अपनी धूल मिट्टी है वो आ चुकी है। तो भाई इनका ना नुकसान होता है, देखो यहाँ पे भी ना कितनी डस्ट वगैरह है जो अपनी यहाँ पे देखो ये रही। देखो तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। मैं हूँ भाई आपका दोस्त कृष्ण। तो आज हमारे पास भाई फिर से है, और क्या है कि इसमें ना आज हमने कोई भी ज़्यादा मेजर खर्चा नहीं किया है, बाकी ना 6 साल हो गए भाई इसके जो सीट कवर वगैरह है ना वो हमने आज तक जो चेंज नहीं करवाए हैं, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा जो गंदे हो रहे थे। एक बार मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ सीट कवर की। तो आज ना इसमें जो नए सीट कवर जो इंस्टॉल करवाने वाले हैं तो कितने के हमारे डलते हैं, क्या मतलब वो है, हालांकि ये धो भी सकते हैं लेकिन हम सोच रहे हैं हम इसको चेंज ही करवा दें। ये देखो अंदर से ना इतने गंदे हो रहे हैं ना सीट कवर भाई, पता नहीं क्या बिखर गया इन पे, क्या नहीं बिखरा। अभी घर में प्रोग्राम भी गया था तो चाशनी वगैरह है, मिट्टी वगैरह जो भी है ना। तो ये कपड़े वाले हैं भाई, ये ना मैंने 6 साल पहले इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कराए थे जब ये गाड़ी आई थी। तो अब इनको ना फटाफट से खुलवाते हैं और बाहर निकलवा के ना इसमें जो नए लेदर वगैरह के जो सीट्स कवर है वो चढ़वाते हैं। तो भाई अपने जो चेंज कर रहे हैं, बाकी हम भाई पूजा कार मोटर से जो इस पर आए हैं, पलवल के अंदर शॉप पड़ती है पूजा कार मोटर्स, यहाँ पे हम जो इसके सीट कवर चेंज करवाने वाले हैं। तो कैसी उनकी जो फिट एंड फिनिश है वो आने वाली है, तो देखते हैं अभी। बाकी आप पूरा वीडियो देखें एंड तक, कैसे कैसे जो ये सीट कवर वगैरह जो अपने इंस्टॉल होते हैं। बाकी अभी सीट खुलेंगी, ये बाहर आएंगी, उसके बाद जो इसमें नए सीट कवर है वो डलने वाले हैं। तो आप वीडियो में ना देखते रहे। तो भाई जो भाई है ना इतना फास्ट काम करते हैं, 2 मिनट में ना अपना सारा कुछ ये लगा लो। आप देखो एक सीट तो अपनी बाहर जा चुकी है, बाकी जो रियर की है वो भी निकल चुकी है। बाकी भाई ड्राइवर वाली खोल रहे हैं अभी ना, 2 मिनट में ये भी अपनी बाहर आ जाएगी। तो फटाफट से ना इनको चेंज करवाते हैं, फिर देखना आप गाड़ी की लुक थोड़ी सी जो है नहस हो जाएगी, क्योंकि ना ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। बाकी अंदर से आप कंडीशन देखो भाई, ये ना कभी कभी वैसे भी ना अपना सीट वगैरह खुलवा के ना अपनी साफ़ सफाई करवा लेनी चाहिए। ये देखो इतना गंदी हो रही है ना भाई गाड़ी, ये देखना पता नहीं क्या क्या इसमें बिखरा हुआ है। जैसे खाते पीते हैं ना गाड़ी के अंदर कुछ भी तो वो बिखर जाता है, फिर यहाँ पे ना हाथ वगैरह नहीं जाते सीट के साइड वगैरह में ना। तो देखो कितनी गंदी हो रही है भाई गाड़ी पीछे से भी ना, ये देखो। तो भाई अब एक बार ना ये साफ भी हो जाएगी इससे, इस बहाने से जो इसकी क्लीनिंग है वो ढंग से हो जाएगी अंदर से। बाकी जो इसके सीट कवर है तो वो भी नए डल जाएंगे, तो अंदर से ना बिल्कुल गाड़ी एक बार फिर जो अपनी नई हो जाएगी। तो बाकी फटाफट से करवाते हैं इनको। तो ये देखो भाई अपने सीट कवर जो सीट वगैरह है ना वो सारी बाहर जा चुकी हैं। बाकी ये भी ना काफ़ी गंदा हो रहा है, जो अपना मैट वगैरह होता है ना फ्लोरिंग करवा रखी थी, तो इसको पूरी को बाहर निकलवा के ना एक बार अंदर से जो पूरा क्लीन करवाते हैं गाड़ी। ये देखो भाई थोड़ा ना जंग भी आने लगा है गाड़ी में, 6 साल हो गए गाड़ी को। बाकी उस तरफ ना इसमें पानी भर गया था कई बारी, तो इस वजह से भी आ रहा है। बाकी उल्ली साइड से देखते हैं इधर की साइड तो है या नहीं है, इधर नहीं है भैया, इधर ना देखो इधर क्लीन है। तो पानी की वजह से हो गया पल्ली तरफ ना, क्योंकि पानी वगैरह भर गया था इसमें, क्योंकि ना जो एसी वाला पाइप होता ना वो चूहों ने काट दिया था, तो उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। वो चूहों ने काट दिया तो इसके अंदर एसी का जो पानी निकलता है ना बाहर वो गाड़ी के अंदर ही आ जाता था। निकल गई। तो ये अपना भाई फ्लोरिंग मैट वगैरह जो भी है अपना बाहर आ गया, तो ये भी ना बाहर से ढंग से जो अंदर से गाड़ी क्लीन हो जाएगी इसमें जो एयर वगैरह लग के ना, क्योंकि सीट तो जब भी खुली हैं तो इसका इससे क्लीन भी हो जाएगी और अपना जो काम है वो बढ़िया हो जाएगा। इसके ये मैट भी लग रहा होगा, हमें मैट भी इसी में लग रहा है क्या? तो साफ करवा दी, कौन कौन करा को अब यहाँ में तू अपना हवा फवा मारियो, डिग्गी विग्गी खोल के डिग्गी भी खोल लियो ढंग से ना, कहा है कोई दिक्कत है का? एक बार एसी वाले पाइप देखिए वहां से, एसी वाला पाइप चिपक रहा है, ये सेट चला रहा है ऐसा चिपक रहा है सेट पर माने यहां से ना लीक हो जाता है भाई, चूहा काट देते हैं इसको ना कभी कभी, तो इसकी वजह से इसमें पानी आ जाता था। बाकी ये देखो भाई ऐसे कुछ अपना हैंड ब्रेक का जो सिस्टम है वो होता है, ये देखो ये तार सी होती है इससे जो अपनी हैंड ब्रेक है ना वो काम करती है। बाकी उसकी जो बेल वगैरह बजती है इंडिकेटर इंडिकेशन देती है, इसकी वायरिंग वगैरह है, सीटों की सीट बेल्ट वगैरह की वायरिंग है। बाकी ऐसे कुछ फ्लोर होता है भाई जो अपनी गाड़ी का फ्लोर होता है नीचे से। बाकी फटाफट सब चेंज करवाते हैं, नए सीट कवर डलवाते हैं और इसको अंदर से ना पूरा क्लीन करवाते हैं गाड़ी को। ये देखो भाई ये ना नुकसान होता है, कपड़े वाले सीट कवर चढ़वा रखे थे हमने ना, उसकी वजह से देखो
सीधा करना सागर इसको वहाँ से उठा के। ये देखो भाई अपनी जो सीट है ना अंदर से वो भी गंदी होगी, इनके ऊपर आप रेत देख सकते हैं, ये देखो कितनी जो धूल है इनके अंदर आ चुकी है। अगर वैसे रहते ना सीट कवर लेदर वगैरह के रहते तो उसके अंदर ना इतनी धूल मिट्टी जाती नहीं है वैसे, बट इसके अंदर ना काफ़ी जो अपनी धूल मिट्टी है वो आ चुकी है। तो भाई इनका ना नुकसान होता है, देखो यहाँ पे भी ना कितनी डस्ट वगैरह है जो अपनी यहाँ पे देखो, ये रही देखो कितनी डस्ट है भाई। तो अब इसमें ना लेदर वाले चढ़वाते हैं जिससे उनकी ना सफाई भी आसानी से हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर ना धूल मिट्टी घुस जाती है फिर ये सफा नहीं होते, और वो जो आराम से अपना सफा हो जाते हैं। गीला कपड़ा मारो और एक बार में जो अपने क्लीन हो जाते हैं वो। तो अब इसको ना क्लीन करवाते हैं अच्छे से फटाफट, बाकी सीट कवर देखते हैं इसके अभी। गोपाल भाई यार कैसा करके मानोगे, सीट कवर दिखाओ फटाफट, दो ही मिनट लगाओ। तो ये भाई अपने सीट कवर हैं जो कि ये देखो, एक तो ये है बाकी एक ये है, बाकी ये अपने ब्लैक कलर के साथ है पूरा ही, उसमें थोड़ी जो ऑरेंज थीम है वो दी हुई है बैक साइड की तरफ, और इसमें ब्राउन कलर की थीम है, बाकी एक ये है ऑरेंज थीम के साथ। कौन सा ठीक है गोपाल भाई इनमें से है, ये ज़्यादा अब देख लो भाई पसंद। गंदा कम दिखता है ना, ये गंदे को तो कम है, बस या ले ले या ही ले ले ठीक है, पीछे तो ब्लैक हो गई। इनके रेंज क्या क्या है जी? है जी रेट तो चल कर लेंगे सभी के, एक एक रेट है क्या, क्या बताओ जो? ये कितने का है जी? कितने का है ये वाला? 3500 का काय में रैक्सी ने लेदर है क्या? लेदर है सारे ही लेदर में कपड़ा अच्छा है इसका, रैक्सी नहीं कोई सा भी अच्छा कपड़ा है, नापा है ऐसा है जामे जो स्टिचिंग है ये रेड कलर की हो तो ऑन ऑर्डर हो सकते हैं यार। ऐसे करो जी हमें यहां में पर हम बताओ कितने कितने के उन्हें बता दो। नीचे को कहाँ है जो मतलब वो कैसा है उसको और दिखा दो एक बार। तो ये ऐसा रहेगा तो ये ठीक रहेंगे। फोन आ रहा है हाँ यू ठीक है फिर मिनिमल सो या केवल अंदर वाली नोट दिखा दो हमने वो कैसे लगेंगे। हाँ एक बार कॉम्बिनेशन ऐसा ही होएगा बाकी थोड़ा हाँ यू रहो ना वे दोनों लंबे वाले कौन से जो पीछे सीट करेंगे उसमें ऐसा ही होएगा बीच बीच में ना बीच में दो जगह दो साइड होंगे ना ऐसे ही है। हाँ तो यही ठीक रहेंगे ये ठीक है। कृष्ण फोन कर रहे हो? हाँ चल ठीक है ये तो यही है ना इनको चढ़ा दे फिर। तो भाई ये हमने सेलेक्ट करे हैं जो सीट कवर है अपने तो इनको चढ़वाने वाले हैं फटाफट से, देखते हैं लेदर के हैं भाई ये। बाकी कॉस्ट वगैरह क्या है गोपाल भाई इनकी? ₹3,000 रुपये के समथिंग। बाकी जो लगाने के चार्ज वगैरह चढ़ाने के वो इसी के इंक्लूड हैं या विद चार्ज है ना? तो विद चार्ज भाई ₹3,000 के हैं ये। बाकी हमें पलवल का पूजा कार मोटर्स मैंने आपको दिखा दिया था, बाकी एक बार मैं आपको तो अभी ना भाई इसमें ना ये देखो आपको दिख नहीं रहा वो लाइट जलाता हूँ मैं, ये ना फ्लोरिंग लगा रहे हैं अभी नई ये देखो, क्योंकि जो पुरानी फ्लोरिंग है ना वो अपनी ख़राब हो गई थी जगह जगह से ना, यहाँ से जैसे खिंच खिंच के ना इधर से यहाँ से ऐसे वो फट गई थी उधर गई थी जहाँ से सिमाई रहती है। तो हमने सोचा नहीं डलवा लेते हैं जब भी खुली है गाड़ी जब भी खुली है, इससे क्या है जो अपनी साफ़ सफाई है ना वो अपनी आसानी से हो जाती है, नहीं तो इसके नीचे ना वो कंपनी वाला मैट आता है उसके अंदर ना रेत घुस जाता है पूरा, और इस पर क्या ऊपर आराम से अपना जो है क्लीन हो जाती है प्यार से ही ना गीले कपड़े के साथ आप इसको पहुँच दो तो ये अपना उससे क्या है क्लीन हो जाती है। बाकी अभी सीट कवर हमारे चढ़ रहे हैं देखो ऐसे सीट कवर चढ़ गए हैं, बाकी अभी इनकी इनको जो फिट करना रह रहा है अभी थोड़ी सी कमी रह रही है इनके अंदर वो भी अभी हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। तो आप एक बार पूरा मतलब जब काम हो जाए ना जब देखना कैसा लगता है। ये देखो भाई ये ना LXi मॉडल है 2017 का, लेकिन क्या है फ्रंट एंड रियर मतलब इसमें ना डैक आता नहीं था बिल्कुल भी, कैसा भी डैक नहीं आता इसके अंदर, एक खाली मिलता था यहाँ से जो पॉकेट है जहाँ पे डैक लगा हुआ है। बाकी फ्रंट एंड रियर स्पीकर के लिए ना कंपनी ने भाई पहले ही प्लग दे रखे हैं, तो आपको ना कोई भी वायर वगैरह नहीं कटवानी पड़ेगी स्पीकर लगवाते हैं ना, मुझे भी आज पता चला 6 साल बाद मैंने खुलवाए हैं, क्योंकि मैंने फ्रंट में तो इस पर
फ्रंट में तो क्या है, मैंने काफ़ी टाइम पहले दो स्पीकर लगवा लिए थे और दो इसके जो है डिग्गी में लगे हुए थे, लेकिन मैं सोच रहा था अब इसमें दो और लगवा लेता हूँ, छः स्पीकर हो जाएंगे, तो इसमें ना वायर वगैरह कुछ भी कट नहीं करना पड़ा है, इसके अंदर वैसे ही ना प्लग लगे हुए हैं डायरेक्ट ही, मतलब कंपनी ने पहले ही दे रखे थे, ये बहुत बढ़िया काम कर रखा मारुति ने। बाकी अभी फ्लोरिंग का काम अपना चल ही रहा है, उसके बाद सीट कवर जो अपने चढ़ चुके हैं जो कि इसमें फिट होने रह रहे हैं बाकी। तो भाई फाइनली जो अपने सीट कवर है ना वो पूरे प्रॉपर चढ़ चुके हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके का हमने सीट कवर चढ़ाए थे, फिट एंड फिनिश ना आप सारी जो चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये आपका रियर की सीट हो गई भाई, पूरी आप फिट एंड फिनिश देखो, खूब अच्छे से काम हुआ है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो अंदर से ना गाड़ी एकदम नई हो गई है अपनी, कैसी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ। हमने जो स्टेयरिंग पे भी ना सीट से मैचिंग वाला जो अपना स्टेयरिंग है वो उसका कवर चढ़वा लिया, पहले इस पर क्या है ब्लैक कलर का था, तो हमने अब ये सीट के कॉम्बिनेशन में ना इस पर जो कवर चढ़वा लिया। तो भाई इनकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 3,500 रुपये के सीट कवर जो अपने चढ़े हैं, बाकी ये 300 रुपये का अलग से चढ़ा था, जो भाई हैंडल पे जो अपना कवर चढ़ा हुआ है ये 300 रुपये का अलग से चढ़ा था, 3,500 के ये थे, तो टोटल जो 3,800 रुपये का भाई ये काम हुआ है। तो कैसा लगा भाइयों, भाइयों आपको ये इतने पैसे का काम कैसा लगे आपको, हमारे सीट कवर वीडियो के एंड में जो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।